questions? Really? क्या मैं ये बात नहीं जानती कि तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है? वरना क्या? छोड़ दोगे मुझे? अनीशा की अपनी वालदा के घर जाने के बाद मुराद जब ऑफिस से घर आने लगता है तो वो सोचता है कि वो घर आएगा तो रूही उसका दिमाग चाटेगी और गलत हरकतें करेगी। यही सोचकर वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसके साथ काफ़ी पीने एक रेस्टोरेंट चला जाता है। वहाँ उसके दोस्त की बीवी का फ़ोन आ जाता है जो उस पर एतबार ही नहीं करती। मुराद उसे बताता है कि वो मेरे साथ है, फिक्र करने के। अनीशा का भी मुराद को फ़ोन आता आ जाता है और वो वापस आ जाता है क्योंकि अनीशा वापस आ गई होती है। फिर वापस आने पर मुराद और अनीशा बड़े खुश होते हैं, स्टडी रूम में बैठे होते हैं और फिर कहते हैं और अपने कमरे में चली जाती है और मुराद काफ़ी गाँव में आ जाता है। रूही वहाँ आकर मुराद को वर्ग लाती और मुराद जब अपने कमरे में जाता है तो अनीशा सो रही। उधर मूसा रूही से बहुत प्यार करता है इसलिए अपनी खाला से बात करता है कि वो रूही और उसकी शादी कर दें।